अब मैं डॉक्टर अजय कुमार रक्षा सचिव से अनुरोध करूंगा कि वे नेशनल कैडेट कोर के अधिकारियों और सदस्यों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ शब्द कहें। लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार एन, श्रीमती नजली शाहीन जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल डीजीज और एनसीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, स्टेट डायरेक्टरेट्स से जुड़े हुए सभी स्टेट डायरेक्टर्स, डायरेक्टरेट्स के ऑफिसर्स और कैडेट्स, मुझे बहुत खुशी है आज एनसीसी ट्रेनिंग ऐप वर्जन 2 को फॉर्मली लॉन्च करते हुए। पिछले साल 27 अगस्त 2020 को जब माननीय रक्षा मंत्री जी ने इस ऐप का फॉर्मल उद्घाटन किया था, उसके बाद से जिस ढंग से एनसीसी ने तरह तरह तरीकों में डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी ट्रेनिंग को और बाकी सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, उसके लिए एनसीसी के सभी ऑफिसर्स और कैडेट्स बधाई के पात्र हैं। जैसे अभी हमने मूवी में भी देखा, पिछले वर्ष कोविड की कठिन परिस्थितियों में भी ट्रेनिंग को बिना रोके टेक्नोलॉजी के माध्यम से और जहां फिजिकल आवश्यकताएं पड़ी उसके प्रोटोकॉल, कोविड के प्रोटोकॉल के अनुरूप जारी रखना कोई एक छोटी बात नहीं है। आज हमारे युवा साथी एनसीसी कैडेट्स जब डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं तो बहुत आश्चर्य नहीं होता है। इसलिए आज जब मैं इस ट्रेनिंग ऐप के बारे में सोच रहा था तो कुछ पंक्तियां जो मेरे दिमाग में आई वो आपके साथ साझा करना चाहता हूं। डिजिटल हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ, डिजिटल इज द वे ऑफ लाइफ नाउ फॉर एनसीसी, डिजिटल इज ऑल्सो द वे ऑफ ट्रेनिंग। If digital is an essential life skill of our times, अगर digital हमारे इस समय के लिए एक essential life skill है, then digital has become a lifeline in COVID times. COVID के समय में एक lifeline, जीवन रेखा की तरह digital technology हो गई है और ये हम सब भरपूर उपयोग करके, चाहे वो education हो, training हो, दूसरी आवश्यकताएं हो, उन सबको पूरा कर सकते हैं। और इसलिए जब हम ये ट्रेनिंग ऐप की बात करते हैं, हम केवल एनसीसी ट्रेनिंग की ही नहीं, अपने 15 लाख कैडेट्स को ये एक लाइफ स्किल प्रदान कर रहे हैं जिसमें अपने जीवन के सभी कार्य इस डिजिटल टेक्नोलॉजी से के माध्यम से यूज करने में उन्हें कभी कोई अड़चन नहीं आएगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले वर्ष में बहुत ही सराहनीय ऑनलाइन काम हुआ है, चाहे वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के ऑनलाइन कैंप्स हों या दूसरी कार्यक्रम। एनसीसी ने जो पिछले वर्ष डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए के यूज के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, उनमें से कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ विचार साझा करना चाहूंगा। हमारी फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ सिमुलेटर बेस्ड ट्रेनिंग, जो एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का स्वरूप है, उसको अत्यंत बढ़ावा दिया जा रहा है और अब सभी केंद्रों में और सभी जरूरत भर की जगहों के लिए पहले जितने सिमुलेटर्स एनसीसी के पास थे उनसे कहीं ज़्यादा, कई गुना सिमुलेटर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
मेरी जानकारी के अनुसार पहले फायरिंग सिमुलेटर एक था और उसको बढ़ा के 98 फायरिंग सिमुलेटर्स अब एनसीसी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पहले माइक्रो लाइट फ्लाइंग के लिए एनसीसी के पास केवल 6 फ्लाइंग सिमुलेटर्स थे, उसकी जगह अब 44 सिमुलेटर इस वर्ष एनसीसी को प्रदान किए जा रहे हैं। और नेवी से जुड़े हुए जो हमारे एनसीसी के कैडेट्स हैं उनके लिए पहले 11 रोइंग सिमुलेटर्स थे, वो अब बढ़ा के 44 कर दिए जा रहे हैं, जिससे सभी कैडेट्स को इसका एक्सपीरियंस मिल सके। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव है। अभी हाल में एक और डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए एनसीसी ने बड़ा निर्णय लिया है और ये एक परिवर्तन आपकी आने वाली ट्रेनिंग में होने वाला है। मैप रीडिंग एक एसेंशियल स्किल के तौर पे सभी एनसीसी कैडेट सीखते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं अब गूगल मैप्स आ गया है, दूसरे डिजिटल फॉर्म के मैप्स आ गए हैं, सैटेलाइट इमेजरी के मैप्स आ गए हैं, इसलिए एनसीसी इसरो के साथ जुड़ के अपने ट्रेनिंग में सैटेलाइट इमेजरी और जीआईएस बेस्ड मैप्स की ट्रेनिंग भी अपने कैडेट्स को देने का प्रावधान बना रहा है और आने वाले छात्रों में इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकेगी। आप लोगों के एक जो पिछले साल आप लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया एनसीसी फॉर स्टैचू, बहुत मैं उसके लिए आप सभी को का अभिनंदन करता हूं, लेकिन इसमें भी जो डिजिटल इफेक्ट है एनसीसी फॉर स्टैचू हैशटैग से जो आप चलाते हैं, उससे सभी को ये जानकारी मिलती है कि हमारे देश भर के एनसीसी कैडेट्स और डायरेक्टरेट्स कैसे अपने वीरों वीरांगनाओं के लिए, उनके स्टैचूज के, महान व्यक्तियों के, लीडर्स के स्टैचूज को कैसे उनकी देखरेख, उनका उसके लिए सफाई सुधार और उन लीडर्स के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए कैसे काम कर रहे हैं। मेरा सुझाव है, आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे स्टैचूज अडॉप्ट किए हैं। मुझे बताया गया है कि लगभग 37 स्टैचूज हमारे आर्म्ड फोर्सेस में जो लोग शहीद हुए हैं उनके हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा हमारे और जितने भी जगहों पे इस तरह के शहीदों के स्टैचूज हैं उनमें से किसी एक स्टैचू को अडॉप्ट करें एनसीसी फॉर स्टैचूज में और उसकी देखरेख करें, ताकि ये हमारी अपने शहीदों की तरफ एक श्रद्धांजलि होगी। और मैं आपको अश्योर करता हूँ आपकी इस कार्यक्रम को जो हमारा नेशनल पोर्टल है, गैलेंट्री पोर्टल जो है, जो भारत सरकार का गैलेंट्री पोर्टल है, उस पे आपकी इस कार्रवाई को प्रदर्शित किया जाए, हाईलाइट किया जाएगा, ताकि ये आपका काम देश के सामने भी आ सके। एक और डिजिटल इनिशिएटिव जो अब शुरू करने जा रहा है एनसीसी इस वर्ष से, वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर यूनिफॉर्म्स। अभी तक यूनिफॉर्म के लिए हम लोग फिजिकली यूनिफॉर्म देने की कार्रवाई करते थे, लेकिन हाल में ये इस डीबीटी करने का प्रावधान भी किया गया है, जिससे कैडेट्स को डायरेक्टली उनके अकाउंट में जो यूनिफॉर्म से संबंधित अलाउंस है वो मिल सके और उनको इसका लाभ भी मिल सके। मैं अंत में मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि कोविड के काल के टाइम में जैसा पिछले वर्ष हुआ था, एनसीसी योगदान 2 में हमारे कैडेट्स ने जो भूमिका निभाई है उसके लिए प्रतिदिन मुझे
लोग बधाई देते हैं, सराहना करते हैं उनकी काम की, और मैं चाहता हूं कि जैसे बाकी सभी समय आप लोगों ने हर मुसीबत पे, हर दिक्कत में सामने बढ़ के अपनी क्षमता से ज़्यादा काम किया है, उसी तरह से आप करते रहिए। आपको हमारा पूरा सहयोग है, और जो भी सहायता आपको आवश्यक पड़ेगी इस काम को करने के लिए, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। एक बार फिर मैं इस एनसीसी ऐप के नए वर्जन 2 के लॉन्च के लिए एनसीसी को आप सबको बधाई देता हूं, और आशा करता हूं इससे और ज़्यादा कैडेट्स तक एनसीसी ट्रेनिंग ऐप का फ़ायदा पहुंचेगा, और हमारे कैडेट्स और अच्छे से इसकी ट्रेनिंग का लाभ उठा सकेंगे। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद।